Hello friends, myself Nemi sir. I welcome to you on behalf of by Radhika School Tramba. Today we will discuss chapter number 9, algebraic expression in standard 8. Right? तो first of all हम बात कर रहे हैं algebraic expression. तो उससे पहले हमें terms के बारे में जानकारी होनी चाहिए. What is term? First of all, right? Term means what is term? So यहाँ पे हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स है, आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, राइट? और डेसिमल, बहुत सारे नंबर है, वो सभी नंबर्स को हम टर्म कहेंगे. फॉर एग्जांपल आई राइट 2, देन आई राइट 4/7, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म. नाउ आई एम टेकिंग डेसिमल नंबर 0.004. दिस ऑल आर कॉल्ड टर्म. ये सभी नंबर्स को हम टर्म कहेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल की, राइट? तो व्हाट इज वेरिएबल? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेरिएबल? इससे पहले हम क्लास 5th और 6th में इक्वेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, राइट? इक्वेशन के बारे में. तब हम इक्वेशन, नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, 2x + 7 = 9, राइट? सो 2x = 2, अब 7 को मैं ऑपोजिट साइड ले जा रहा हूँ, 9 - 7. नाउ 2x = 2, 9 - 7 = 2, x = 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए. सो 2 मल्टीप्लीकेशन में से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 × 1 = 2, x = 1, राइट? 2/2, 2 से 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी. अब दूसरी बात, ये x है वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि ये x वेरिएबल इसलिए है, x की वैल्यू एवरी टाइम फिक्स नहीं होती, राइट? यहाँ पे y, z ये सभी भी वेरिएबल है, नॉट ओनली फॉर x, x, y, z ये सभी वेरिएबल्स है, उसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, राइट? हर बार चेंज होती रहती है, इसलिए x, y, z को हम वेरिएबल कहेंगे. और नॉट ओनली फॉर एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक जो सभी है अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स, वो सभी को हम वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती. कभी x = 5 मिलता है, कभी x = 9 मिलता है, कभी x = 2 मिलता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 9, x की वैल्यू 2 है, राइट? ये 3 वैल्यूज आर देयर ऑफ x, बट नॉट एनी वैल्यू इज सेम आउट ऑफ 3, राइट? 3 में से एक भी वैल्यू इसकी सेम नहीं होती. उसी हिसाब से आप देखो तो y की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, z की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, एवरी टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए इसे हम वेरिएबल कहेंगे. नाउ अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की. ओके, अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की. तो मेरे पास एक टर्म है 2x. नाउ आई एम टेकिंग अनदर टर्म आल्सो 3y, राइट? हियर टू टर्म्स आर देयर, फर्स्ट वन इज 2x, सेकंड वन इज 3y. यहाँ पे दो टर्म्स है, हम ये दोनों टर्म को 2x + 3y, राइट? यहाँ पे मैंने दोनों टर्म को प्लस साइन से कंबाइन कर दिया, राइट? दोनों टर्म मीन्स फर्स्ट वन इज 2x, सेकंड वन इज 3y, दोनों को मैंने प्लस साइन से कंबाइन कर दिया. तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स आपके पास जो टर्म्स है वो टर्म्स को आप प्लस या माइनस साइन से कंबाइन करते हो तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल, 3y 9z. यहाँ पे भी दो टर्म्स है, पहला 3y, दूसरा 9z. अब हियर टू टर्म्स आर देयर, नाउ आई एम टेकिंग 3y - 9z. आप देख रहे हैं फर्स्ट वन इज 3y, सेकंड वन इज 9z. ये दोनों टर्म को मैंने माइनस साइन से कंबाइन कर दिया, मींस
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, राइट। तो हम टर्म को प्लस और माइनस साइन से कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग मोनोमियल, अब हम मोनोमियल की बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट मोनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल। If I have only one term, suppose 2x, then it is called monomial. Means मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है तो उसे मैं क्या कहूँगा, मोनोमियल। If I have two terms, if I have two terms, then it is called binomial. टू एक्स प्लस थ्री वाई, राइट। हियर टू टर्म्स आर देयर, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल, राइट। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड, ट्राइनोमियल। इफ आई हैव थ्री टर्म्स आर देयर, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस फोर वाई प्लस नाइन जेड, राइट। यू कैन सी थ्री टर्म्स आर देयर, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इफ आई हैव ओनली वन टर्म, देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल। देन हियर टू टर्म्स आर देयर, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड हियर थ्री टर्म्स आर देयर, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब हम बात करेंगे इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे एडिशन की, राइट। हियर थ्री टर्म्स आर देयर, फर्स्ट वन इज एक्स प्लस फोर, सेकंड वन इज माइनस वाई प्लस एट, थर्ड वन इज थ्री जेड प्लस वन। अब ये तीनों टर्म्स है यहाँ पे, इसका हम एडिशन लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज एक्स प्लस फोर, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड टर्म में आ गया माइनस साइन, इसलिए प्लस माइनस वाई प्लस एट प्लस लास्ट वन इज थ्री जेड प्लस वन। अब हम वेरिएबल को वेरिएबल से एडिशन करेंगे। यहाँ पे एक्स, सेकंड वन वेरिएबल इज माइनस वाई, थर्ड वन इज थ्री जेड, राइट। यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल का एडिशन किया है, उसके बाद हम नंबर्स का एडिशन करेंगे। यहाँ पे पीछे प्लस फोर है, राइट। नाउ प्लस एट एंड प्लस वन, नाउ अब आप देखेंगे x माइनस वाई प्लस थ्री जेड, राइट। यहाँ पे एडिशन हो गया, अब ये नंबर का सिर्फ एडिशन करना है। 8 प्लस फोर, ट्वेल्व प्लस वन, थर्टीन, ये फाइनल आंसर आपका आ गया। मीन्स यहाँ पे थ्री टर्म्स है, उसका हमने सिंपली एडिशन किया है, इस तरीके से करना चाहिए। आप देखेंगे पहले हमने सिर्फ वेरिएबल को एडिशन किया है, फिर उसके बाद सिर्फ नंबर वाले को एडिशन किया है, राइट। तो जब भी हम एडिशन करेंगे टर्म्स का, तब आपको एक बात याद रखनी होगी कि वेरिएबल से वेरिएबल के साथ और नंबर को नंबर के साथ एडिशन करना होगा, राइट। तो पहले हमने सिर्फ वेरिएबल का एडिशन किया आगे, और पीछे सभी नंबर का एडिशन किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन, राइट। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यहाँ पे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, मीन्स ये पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। सो पीछे वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब आगे वाला सब्ट्रैक्शन माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, राइट। पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3।
अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर ली जाती है तब उसकी अंदर की साइन जो है सभी वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्लस फोर है इसलिए आगे साइन माइनस है, तो माइनस फोर है। फिर माइनस सेवन है भी ब्रैकेट के अंदर है पर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर में अप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस सेवन ए बी। यहाँ पे प्लस थ्री बी है, माइनस साइन में अंदर अप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस थ्री बी। प्लस ट्वेल्व है तो वो माइनस साइन यहाँ पे लगाऊंगा तो माइनस हो जाएगा माइनस ट्वेल्व। अब मैं वेरिएबल को वेरिएबल से और नंबर को नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे 12a, फिर a वाला टर्म यहाँ पे है माइनस फोर है तो दोनों को साथ में कंबाइन लिखूंगा 12a माइनस फोर है। नाउ यहाँ पे 5b है, यहाँ पे माइनस थ्री बी है, दोनों b वाले को साथ में लिखूंगा प्लस 5b माइनस थ्री बी। फिर यहाँ पे ए बी वाला टर्म है, यहाँ पे भी ए बी वाला टर्म है, यहाँ पे माइनस नाइन ए बी माइनस नाइन ए बी प्लस सेवन ए बी। फिर यहाँ पे माइनस थ्री है नंबर, यहाँ पे भी नंबर है माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, ट्वेल्व है माइनस फोर है एट है, फाइव बी माइनस थ्री बी टू बी, माइनस नाइन ए बी प्लस सेवन ए बी। अब नाइन में से सेवन गए तो टू ए बी, बट यहाँ पे नाइन बिग नंबर है उसकी साइन माइनस है सो यहाँ पे माइनस टू ए बी होगा। माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टी, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे एलजीब्रिक एक्सप्रेशन था, यहाँ पे सेकंड था। अब यहाँ पे फ्रॉम का मतलब है पीछे वाले में आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करना, राइट। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, राइट। तो पहले हम मोनोमियल का, मोनोमियल के साथ ही प्रोडक्ट लेंगे। अब देख सकते हैं फर्स्ट वन 2x मल्टीप्लाई 4y, यहाँ पे मेरे पास मोनोमियल है, यहाँ पे भी मोनोमियल है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे। तो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। नाउ अब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, x को y से इसलिए मुझे मिला एक्स वाई और फाइनल आंसर इज एक्स वाई। यहाँ मैंने मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई किया। अब नाउ वी विल टेक सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3y, राइट। फर्स्ट टर्म हमारा 3y है, उसके पीछे 2x माइनस 11y, मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मोनोमियल है उसके बाद पीछे मल्टीप्लिकेशन में बाइनोमियल। मैं यहाँ मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिंपल हम जैसे करते थे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6, यहाँ पे y है यहाँ पे x है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई होगा। अब ये मोनोमियल को सेकंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, इसके पहले माइनस साइन है तो मैं यहाँ माइनस साइन रखूंगा। फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 थ्री जा 33, यहाँ पे भी वाई है यहाँ पे भी वाई है, वाई टू टाइम है इसलिए मैं वाई स्क्वेयर लिखूंगा, राइट। सो यहाँ पे हमने मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6y फर्स्ट टर्म और पीछे ट्राइनोमियल है, मीन्स मोनोमियल को मैं ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे हम करते थे वैसे ही सिंपल रूल फॉलो करेंगे, पहले 6y मोनोमियल है उसको ट्राइनोमियल के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 6y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कोई नंबर नहीं है, यहां पे सिर्फ 6 है, सो 6 को as it is लिखो। फिर यहां पे y है, यहां पे x है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा xy, राइट। फिर ट्राइनोमियल का सेकंड टर्म के साथ मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन आएगा। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 8 जा 48, यहाँ पे y है यहाँ पे भी y है, राइट। यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y, y दो बार इसलिए y स्क्वेयर होगा। फिर 6y को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस 3z है, यहाँ पे भी प्लस है इसलिए साइन प्लस का आएगा। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 80,
y को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो मुझे मिला z y, राइट। तो ये हमारा मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और ये आंसर है। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट जो एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल और उसके पीछे भी बाइनोमियल है, मींस बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ इट इज वेरी इजी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले जो मल्टीप्लिकेशन किया था वही रूल अप्लाई करेंगे। पहले 3x है उसको मैं 5y से मल्टीप्लाई करूंगा, मींस ये एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म को पीछे वाले के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 50, फिर वेरिएबल को वेरिएबल के साथ x को y से मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे मिला एक्स वाई। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का साइन आएगा। 9 3 27, फिर यहाँ पे वेरिएबल x है। अब 2, राइट, ये एलजीब्रिक एक्सप्रेशन है, सेकंड टर्म 2 है, इसको मैं पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिलेगा 10y। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का साइन आएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 80 मिलेगा। सो ये मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब इसके पीछे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा जो, राइट, वहां पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बाइनोमियल है मेरे पास, उसका मल्टीप्लिकेशन मैं ट्राइनोमियल के साथ करूंगा। हमने पहले जो केस बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे। ये बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म क्या है, 3x, 3x को मैं 6x से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 80, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस साइन आएगा। 7 3 21, वेरिएबल को वेरिएबल से y इंटू x, सो एक्स वाई। अब 3x को मैं 12z से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो प्लस साइन आएगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 3 36, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, तो xz होगा। फिर पीछे जो 5y वाला टर्म है उसको मैं पूरे ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, सो प्लस होगा। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 6 30, नाउ y इंटू x, एक्स वाई। फिर 5y को -7y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस प्लस, अगेन माइनस, 5 7 35, y इंटू y, यहाँ पे y1, यहाँ पे भी y है, तो y 2 टाइम्स है, इसलिए y का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो अगेन प्लस। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 60, z इंटू वाई, ये हमारा वाई जेड हो गया। अब लाइक टर्म है उसको पहले लिखिए, फिर उसके पीछे जो अनलाइक टर्म है उसको लिखिए। यहाँ पे 8x² है, पीछे एक्स स्क्वेयर वाला कोई टर्म नहीं है, इसलिए 8x². नाउ अब यहाँ पे -35y² है, फिर जेड स्क्वेयर वाला कोई टर्म नहीं है, मीन्स मैंने यहाँ पे बड़ी पावर वाले टर्म्स लिए हैं, राइट, स्क्वेयर वाले टर्म्स। अब मैं सिंगल पावर वाले टर्म्स लूंगा। अब यहाँ पे पावर वाले टर्म्स खत्म हो गए, यहाँ पे 21xy है, यहाँ पे xy वाला टर्म, तो दोनों को मैं साथ में लिखूंगा, -20xy +30xy, राइट। फिर यहाँ पे 36xz है, यहाँ पे 60yz है, मीन्स दोनों का एडिशन नहीं होगा, तो वैसा ही वैसा लिख डालो जैसा है वैसा, 36xz +60yz। अब 18x² -35y² 30 -21 +9
एक्स वाई, यहाँ पे दोनों का एडिशन नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, एक्स जेड है यहाँ पे वाई जेड है, दोनों का एडिशन नहीं होगा। 30xz + 60yz, राइट। तो ये हमारा बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, राइट। ये फोर आइडेंटिटीज आर देयर। फर्स्ट वन इज ए प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। मीन्स यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर आएगा, राइट। सेकंड लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आएगा, फिर दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन और उसके साथ में टू, राइट, और लास्ट में प्लस बी स्क्वेयर मीन्स लास्ट टर्म का स्क्वेयर, राइट। सेकंड वन इज दिस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर आएगा, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, 2ab प्लस लास्ट में लास्ट टर्म का स्क्वेयर, राइट। वन रिमेंबर थिंग, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा। नाउ वी विल डू थर्ड वन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मीन्स यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, बट साइन विल बी चेंज, राइट। यहाँ पे दोनों टर्म सेम है बट दोनों के बीच में जो साइन है वहाँ फर्स्ट टाइम प्लस है, सेकंड टाइम माइनस है। तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, दोनों का स्क्वेयर होगा बीच में माइनस। मीन्स यहाँ पे अगर ए और बी, यहाँ पे भी ए बी, मीन्स दोनों में ए बी कॉमन है बट यहाँ पे प्लस साइन है, दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस साइन है, तो उसका सॉल्यूशन में आएगा दोनों टर्म का स्क्वेयर बीच में माइनस। फोर्थ वन इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स मुझे मिलेगा, फिर मैं बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और लास्ट में ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नाउ अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से, राइट, उसके बारे में हम एग्जांपल देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर, राइट। हियर वी यूज फर्स्ट वन आइडेंटिटीज, ए प्लस बी वाला स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ए प्लस बी वाला आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर, फर्स्ट पहले हमें फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वेयर लेंगे, मीन्स एक्स का स्क्वेयर, फिर बाद में प्लस साइन है तो प्लस साइन लेंगे, राइट, फिर टू आएगा, उसके बाद दोनों टर्म्स है फर्स्ट और सेकंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x आएगा। नाउ लास्ट टर्म है 2 उसका स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 × 4x, राइट, प्लस 2 का स्क्वेयर 4। दिस इज अवर सॉल्यूशन। ये फर्स्ट आइडेंटिटी का एग्जांपल है। नाउ वी विल टेक सेकंड, y माइनस 3 स्क्वेयर, राइट। यहाँ पे हम सेकंड आइडेंटिटीज यूज करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने। ये आइडेंटिटी का सॉल्यूशन y माइनस 3 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू y स्क्वेयर, राइट। यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन लूंगा, फिर 2 आएगा, फिर दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन मीन्स 3y प्लस लास्ट में 3 है तो उसका स्क्वेयर आएगा। नाउ वाई स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होगा माइनस 3 × 6y प्लस 3 का स्क्वेयर 9। तो ये सेकंड आइडेंटिटी का एग्जांपल था, ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ वी विल टेक थर्ड आइडेंटिटीज, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 4, मीन्स दोनों ब्रैकेट में
टर्म्स कॉमन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी आगे एक्स है, यहाँ पे पीछे फोर है, यहाँ पे भी पीछे फोर है, बट दोनों में से साइन चेंज है, पहले वाले में प्लस है, सेकंड वाले में माइनस है, मीन्स दोनों ब्रैकेट में टर्म्स कॉमन है बट साइन डिफरेंट है. सो उसका आइडेंटिटीज क्या होगा, दोनों टर्म्स का स्क्वेयर, मीन्स पहला टर्म एक्स है उसका स्क्वेयर, फिर फोर है तो फोर का स्क्वेयर, बीच में माइनस साइन आएगा राइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, सो ऑब्वियसली प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल्स टू एक्स का स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर का स्क्वेयर 60. ये हमारा थर्ड आइडेंटिटीज था, वहां पे हमने देखा दोनों में टर्म्स कॉमन है बट साइन चेंज है, सो ये सॉल्यूशन है उसका. अब नाउ वी विल डिस्कस फोर आइडेंटिटीज. फोर्थ वन इज दिस, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस नाइन राइट. ये फोर्थ वन आइडेंटिटी है, उसका सॉल्यूशन हम लेंगे. पहले एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को नाइन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिला नाइन एक्स. नाउ थ्री को x से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, अगेन प्लस 3x राइट. फिर थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, नाइन थ्री जा 27, सो एक्स स्क्वेयर नाइन प्लस थ्री 12x प्लस 27 राइट. सो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ. यहाँ पे फोर आइडेंटिटी से फर्स्ट वन का एग्जांपल हमने देखा राइट, वहां पे प्लस साइन था, दोनों होल स्क्वायर में थे और इसका सॉल्यूशन. दूसरी आइडेंटिटी में माइनस था दोनों टर्म के बीच में और उसका होल स्क्वायर लिया तो ये सॉल्यूशन मिला. थर्ड में दोनों में टर्म सेम थे बट साइन विल बी चेंज, सो ये सॉल्यूशन उसका मिला. और फोर्थ वन में दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट वाला जो टर्म्स था वो सेम था, लेकिन पीछे वाला मीन्स सेकंड टर्म्स है वो दोनों में डिफरेंट है और दोनों के बीच में प्लस साइन है, ये इसका सॉल्यूशन. और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज यहाँ पे देखा था हमने और ये उसका सॉल्यूशन है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपने पूरी तरह देखा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.